नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आयुर्वेद रत्न। उम्र बढ़ने पर अक्सर लोगों को गाठिया व जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शरीर में यूरिक एसिड का बनना। जब शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो वो शरीर के जोड़ों में छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। इसी को गाठिया का रोग कहा जाता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आज गाठिए के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। गाठिया के किसी भी रूप में जोड़ों में सूजन दिखाई देने लगती है। इस सूजन के चलते जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन का एहसास होता है। रोग के बढ़ जाने पर चलने फिरने या हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगती है। तो जानिए घर पर ही जोड़ों के दर्द को दूर करने के कुछ उपायों के बारे में। अरंडी का तेल। अरंडी के जड़ का चूर्ण आधा या एक चम्मच लेने से गाठिया के रोगियों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। अगर जोड़ों का दर्द प्रारंभिक अवस्था में है तो अरंडी के तेल की मालिश भी अत्यंत प्रभावी होती है। अश्वगंधा का चूर्ण। अश्वगंधा, शतावरी एवं आमलकी का चूर्ण अच्छे से मिलाकर सुबह सुबह पानी के साथ लेने से भी जोड़ों का दर्द कम होता है और मजबूती आती है। लहसुन का सेवन। लहसुन रक्त शुद्ध करने में सहायक होता है। गाठिया रोग के कारण रक्त में यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनता है। लहसुन के रस के प्रभाव से यूरिक एसिड गलकर तरल रूप से मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। लहसुन के रस को कपूर में मिलाकर मालिश करने से भी दर्द से राहत मिलती है। अदरक भगाए दर्द। दोस्तों, जोड़ों के दर्द से परेशान लोग हर रोज 200 ग्राम अदरक का यदि सेवन करते हैं तो उन्हें दर्द से बहुत राहत मिलती है। चाहें तो आप सब्जी, सूप या अन्य चीजों में भी अदरक मिलाकर सेवन कर सकते हैं। नींबू के रस का सेवन। जोड़ों पर नींबू के रस की मालिश करने और सुबह रोजाना एक ग्लास पानी में एक नींबू का रस निचोड़कर उसे पीते रहना जोड़ों की सूजन दूर करता है और दर्द भी कम करता है। बथुए का रस। बथुए के ताजा पत्तों का रस हर दिन 15 ग्राम पिएं। इसमें स्वाद के लिए कुछ भी ना मिलाएं। खाली पेट पीने से ज्यादा लाभ होता है। 3 महीने पीने से दर्द से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को दोस्तों तमाम रोगों का इलाज माना गया है। जोड़ों में दर्द होने पर एलोवेरा के पत्ते को काटकर उसके जेल से दर्द होने वाली जगह पर लगाएं। इससे दर्द में काफी राहत मिलेगी। आलू का रस। गाठिया का दर्द होने पर हर दिन खाना खाने से पहले 2 आलुओं का रस निकाल लें और पिए। हर दिन कम से कम शरीर में 100 मिलीलीटर रस पीने से बहुत आराम मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। जोड़ों के दर्द में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल जोड़ों के दर्द को कम करता है, साथ ही इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हड्डियां मजबूत होती है। मेथी का चूर्ण। 100 ग्राम मेथी दाना भूनकर उसका चूर्ण बना लें। 50 ग्राम सौंठ, 25 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिश्री सबको पीसकर मिला दें। शीशी में भरकर रख दें। सुबह शाम दोनों समय चाय के चम्मच की मात्रा में दूध के साथ लें। तो दोस्तों, गाठिया के दर्द से छुटकारा दिलाने वाले ये घरेलू उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। दोस्तों, आगे मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए घरेलू उपाय के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।